हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल टेक्निकल सपोर्ट टीम पर आपका स्वागत है। देखिए एक फॉन्टेक का 808 SMPS आया है। ठीक है, ये हेवी वाला SMPS है। देखिए इसका अंदर देखिए कितना धूल वगैरह भी है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो सीरीज लाइन होना चाहिए और हमने लगा दिया, सीरीज लाइन नहीं जला। तो चलिए इसको हम शॉर्ट करेंगे, सेम प्रोसेस है, ग्रीन और ब्लैक। देखिए शॉर्ट किया है, शॉर्ट करने के बाद भी ये फैन नहीं चल रहा है। देखिए तो चलिए पहले फटाफट इसको खोल लेता हूँ, खोलने के बाद साफ़ कर लेता हूँ, साफ़ करने के बाद दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों देखिए, ये हमने पूरा साफ़ कर लिया और इसका जो फैन है उसको भी बाहर निकाल के ये देखिए साफ़ कर लिया। ठीक है, एकदम से साफ़ कर लिया। और देखिए एक थोड़ा सा लाइट दे देता हूँ, अंदर कुछ कार्बन वगैरह दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें फ्यूज़ भी ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो चलिए पहले चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ। और ये बोर्ड थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, नॉर्मल जो SMPS होता है उससे थोड़ा सा बड़ा है। और ये केबल थोड़ा सा लॉन्ग है और इसका जो कवर है और सर्किट डायग्राम जो है सब सेम टू सेम ही है, सब कुछ सेम ही है। कैपेसिटर थोड़ा बड़ा दे के रखा और सब कुछ सेम टू सेम ही है। जो स्पेयर पार्ट चाहिए सेम टू सेम ही है, ज़्यादा के लगभग सब SMPS का ही सेम टू सेम ही होता है। ठीक है, तो चलिए। और इसका फैन जो है वो बड़ा है और इसको 800 वाट बना दिया। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। सेम टू सेम डायग्राम है, सेम टू सेम आपका सब कुछ चेक करना है। तो हम एक एक करके चेक करेंगे। पहले इसको ले लेता हूँ, ये देखिए मीटर को हमने बाजार मोड में रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा लाइट दे देता हूँ। देखिए ये वाला है ओवर करंट प्रोटेक्शन, ये वाला ये शॉर्ट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ ख़राब है, आपको तो पहले ही दिखाया। उसके बाद ये डायोड देखिए एनोड, ये कैथोड लगाया। देखिए एनोड और कैथोड लगाया तो वैल्यू दिखाया, 300+ कुछ दिखा रहा है। और इसको एनोड और कैथोड लगाया, देखिए ये वाला शॉर्ट दिखा रहा है, दूसरा को शॉर्ट दिखा रहा है, तीसरा शॉर्ट नहीं है। तो एनोड इस तरह पे और कैथोड इस तरह पे, एनोड और कैथोड लगाएंगे, रेड और ब्लैक लगाएंगे तो देखिए वैल्यू दिखा, मतलब ये दोनों कैपेसिटर ये आपका डायोड शॉर्ट है, मतलब 13,007 भी कुछ ना कुछ शॉर्ट होगा ही। ठीक है, तो चलिए कैपेसिटर चेक कर लेता हूँ। फिल्टर कैपेसिटर जो है देखिए थोड़ा सा साउंड देके छोड़ रहा है, मतलब ठीक है। ये दूसरा भी देखिए देखे छोड़ रहा है, ठीक है, मतलब ये ठीक है। उसके बाद देखिए ये डायोड, दोनों डायोड है और इसका ये देखिए ये 13,007, ये 13,007 शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। उसके बाद देखिए इसका 10 ओम रेजिस्टर देखना है, 10 ओम रेजिस्टर देखेंगे तो शॉर्ट दिखेगा, मतलब ये लगभग 13,007 ठीक ही होता है। तो चले इस वाला देखता हूँ, इसका पहले 10 ओम्स देखता हूँ। देखिए इसका 10 ओम्स काम नहीं कर रहा है, मतलब शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, 10 ओम्स तो वैल्यू कम है इसलिए शॉर्ट दिखेगा। तो इसका कैपेसिटर 13,007 भी कुछ ना कुछ खराब होगा, देखता हूँ। देखिए ये शॉर्ट है, ठीक है, तो चलिए ये वाला शॉर्ट है और ये वाला शॉर्ट है, दोनों को हम पहले चेंज कर लेता हूँ। पहले आपका डायोड खोल लेता हूँ, दोनों एक एक करके खोलेंगे, इसके फास्ट नहीं सेकेंड जो है उसमें। ठीक है दोस्तों, पहले इसका जो डायोड है, दोनों डायोड है, ये 2 और 3 नंबर डायोड जो है शॉर्ट है। तो इसको पहले एक एक करके खोल के देखता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम आपका दोनों का ही प्रॉब्लम है ना, एक का प्रॉब्लम है एक, इसके लिए देखिए एक लीड खोलना है, खोलने के बाद चेक करना है। तो हम मीटर में चेक करेंगे इसको, आप भी चेक कीजिए, खामखा इसको चेंज करना नहीं है। तो मीटर में रख के आपको देखिए एक लीड तो इधर आए है और एक लीड है, देखिए शॉर्ट है। तो दूसरा वाला ये भी शॉर्ट है, इसको खोलने के बाद भी शॉर्ट है। चलिए इसको फटाफट से खोल लेता हूँ। ठीक है, खोलने के बाद 13,007 भी एक खोलना है, खोलने के बाद लगा के देखेंगे ये रेडी होता है कि नहीं। ठीक है,
खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा, ये दो दो चार रुपया आएगा यहाँ पे, और वहाँ पे 8 रुपया आपका 13 10 7 8 से 10 रुपया वो लगेगा, ये आपका खर्चा लग जाएगा। तो चलिए ये जो बाद में जो डायोड हमने निकाला है इसको भी चेंज चेक कर लेता हूँ। देखिए ये भी देखिए शॉर्ट है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, डायोड को थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। साफ करने के बाद देखिए 13 7 को इस साइड में जो है वो ख़राब है, उसको हम खोलने से पहले देखिए इसका जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को खोलना है, ठीक है। एक कोई खोलेंगे कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर भी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो चलिए साफ करके देखता हूँ, ऊपर से तो ठीक ही नज़र आ रहा था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ये काम चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह हुआ था। तो चलिए ये 13 7 जो है इसको हम यहाँ से निकाल के रखेंगे, ठीक है। निकालने के बाद यहाँ पे दूसरा वाला लगाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको खोल लेता हूँ। तो चलिए इसको खोल दिया, खोलने के बाद इसके प्लेस में दूसरा वाला 13 7 लगाएंगे। तो चलिए इसको हमने खोल दिया, खोलने का थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। चलिए इसको साफ कर लिया और इसको हम चेक भी करेंगे, ठीक है, चेक भी करेंगे ये खराब है कि नहीं, ठीक है। इसको रखेंगे और देखिए मीटर, और देखिए ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, मिडिल में तो शॉर्ट दिखेगा, एक ही कनेक्शन है। और देखिए बाई तरफ लगाएंगे तो ये देखिए शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब ये 13 7 शॉर्ट है। अभी इसको देखिए चेक करेंगे, देखिए ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो फिर भी देख लेता हूँ कोई फटा हुआ जला हुआ है कि नहीं, ठीक है। दोनों चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका। देखिए इसको भी हमको खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ख़राब हो चुका है, ठीक है। आपको एक ख़राब होगा तो दोनों को ही चेंज कर देना है। देखिए आप ऊपर से देख रहा है जो प्रॉब्लम नहीं है, अंदर से वो प्रॉब्लम दिख रहा है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए जल गया, देखिए दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे देखिए जो ग्लेजी ग्लेजी दिख रहा है, जो ये जल गया है। चलिए इसको हम खोल के आपको दिखाता हूँ। तो 13 7 एक ख़राब होगा तो दोनों ख़राब हो, ज़्यादा के ज़्यादा होता है तो क्या है, रिस्क नहीं लेना है, नहीं तो दूसरा नया वाला जो लगा है वो भी ख़राब हो सकता है, इसलिए दोनों को आप नया लगा दीजिएगा। देखिए इसका देखिए आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पे जल गया है, ठीक है। देखिए इस तरफ भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जल गया है। तो चलिए दोनों ही ख़राब है तो दोनों को हम रिप्लेस कर देता हूँ, और इसके प्लेस में दोनों को नया 13 7 ले लेता हूँ। लेने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोनों 13 7 नया वाला ले लिया है, ठीक है, आपको दिख रहा है शायद, ठीक है। उसके लिए देखिए पहले ये ब्लैक जो पोर्ट है इसको हम ये हीट सिंक में लगाएंगे, और दाहिने तरफ रेड लगाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं दिखेगा, दिख नहीं रहा, ज़्यादा जूम हो गया शायद। तो चलिए इस तरफ रखता हूँ, तो जूम थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए देखिए यहाँ पे रखेंगे, राइट में लगाएंगे तो देखिए कोई वैल्यू नहीं दिखेगा, और लेफ्ट में लगाएंगे तो देखिए वैल्यू दिखेगा, 400+ कुछ दिखेगा। ये भी देखता हूँ,
राइट में कुछ नहीं है, और बाई तरफ लगाएंगे, लेफ्ट में लगाएंगे तो 300 प्लस कुछ दिखेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फटाफट से इसको लगा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो चलिए इसको लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये वाला जो 10 ओम से ये तो ख़राब है और ये वाला ठीक है। तो ये 10 ओम से ठीक ख़राब है और ये रेजिस्टर भी ठीक है। ठीक है, तो ये 10 ओम से हम निकाल के यहाँ पे दूसरा जो 10 ओम से वो लगा दे देंगे। देखिए ये वाला, ठीक है, ब्राउन ब्लैक ब्लैक इसका कलर कोड है। ठीक है, तो चलिए इसको लगाएंगे और ये 13,007 दोनों को लगाएं। लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 13,007 को भी लगा दिया और ये 10 ओम्स का जो रेजिस्टर है इसको भी लगा दिया और दोनों डायोड की भी लगा दिया। तो चलिए इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। ठीक है, फटाफट से इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। देखिए SMPS का तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, कभी बोल नहीं सकता इस SMPS का ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसलिए हमारा जो वीडियो है सब वीडियो देखना है, सीखना है। तो ठीक है, कब ज़्यादा के ज़्यादा ऐसे ही प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ज़्यादा के ज़्यादा प्रॉब्लम 13,007 का आता है। तो आपको सब कुछ फॉलो करना है, देखिएगा सीख पाएंगे जल्दी में। सब कुछ देखना है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने के। अभी तो टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत सारे भाई लोग का कमेंट करके रखा, उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, टाइम ही नहीं मिल रहा, इतना काम है। ठीक है, वीडियो भी बना नहीं पा रहा हूँ, काम इतना ज़्यादा हो गया। तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके रखिएगा, टाइम मिल जाएगा हमारा तो हम वो रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज सोल्डर अच्छा नहीं हो रहा है। एक तो हमने लगा दिया और दूसरा कैपेसिटर कहा गया इधर है। ठीक है, कैपेसिटर जो है वो थोड़ा सा साफ कर लिया, साफ करने के बाद उसको लगा रहा हूँ। ठीक है, SMPS आप कवरा समझ के मत फेंकना, तब का ये इस बारे में इंटरेस्ट है तो देखिएगा सीख पाएंगे। ठीक है, और SMPS के काम करने के पहले आपको पहले से बता रहा हूँ, सीरीज लाइन होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, मीटर के बारे में सब कुछ के बारे में जानकारी होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे और खामखा शॉक खाएंगे। हाँ, शॉक लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने यहाँ तक लगा दिया। ठीक है, तो चलिए इसका जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ को भी लगा देंगे। लगाने के बाद हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो चलिए फ्यूज़ को लगाने से पहले थोड़ा सा इसको सोलर लगा लेता हूँ। इतना काम है, ज़्यादा वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद एक वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, ये वायर से फ्यूज़ लगाना है, फ्यूज़ मार्केट से ख़रीदना नहीं है, तो आप फिर से ख़राब हो जाएगा। तो फिर से ख़रीदेंगे तो 5-6 रुपया आपका खमाका चल जाएगा। ठीक है, तो वायर से आपके पास तो बहुत सारा वायर रहता है, ठीक है, उससे काम चलाना पड़ेगा। तो अभी तो फ़िलहाल अब तक ठीक ही है, तो थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ बाजार मूड में रख के। ठीक है, देखता हूँ कोई शॉर्ट वगैरह फिर से है कि नहीं। ये वाला शॉर्ट नहीं है, ये तो 10 ओम्स शॉर्ट दिखेगा। तो कोल सेक्शन में थोड़ा सा देख लेता हूँ,
कॉल सेक्शन में नहीं, ए बड़ा वाला कैप जो आईसी है उसको देख लेता हूँ। तो चलिए कोई शॉर्ट वगैरह नहीं है, तो फैन को भी हम लगा देता हूँ। लगाने के बाद चलिए पहले लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमने देखिए ये एसी में लगा लिया, और ये फैन भी सेट के लिए बाहर रखा था, ये पीसी भी है, और हमने कान पे लगा दिया। और अभी क्या करेंगे, ग्रीन और ब्लैक में ये शॉर्ट करेंगे। ये हमने शॉर्ट कर दिया ट्वीज़र से, देखिए आपका फ़ैन घूमना चालू हो गया। छोटा सा प्रॉब्लम था ये दो डायोड, और 2-13,007 आप चेंज करेंगे तो ये कम बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू।